हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में क्लास 11 इकोनॉमिक्स का टॉप 40 वायरल प्रश्न को देखने वाले हैं दोस्तों, जो 28 फरवरी के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले दोस्तों मैंने सेट वन अपलोड कर दिया था, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख ले, क्योंकि दोस्तों ये आपके एग्जाम के पॉइंट से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स का 3 सेट दूंगा दोस्तों, इन्हीं 3 सेट से आप लोगों को एग्जाम में 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। मैंने सेट वन अपलोड कर दिया है, आज मैं सेट टू अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं सेट 3 अपलोड कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को ना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, आपके स्क्रीन पे पूछा गया है, भारत में प्रत्येक वर्ष में जनगणना की जाती है, 2 वर्षों में, 5 वर्षों में, 10 वर्षों में, 1 वर्षों में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 वर्ष में, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, माध्यिका आंकड़ों में समांक को बराबर भागों में बांटता है, 2 भागों में, 1 भागों में, 4 भागों में, 3 भागों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 भागों में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर है। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, वह व्यक्ति जो आंकड़ा संग्रह करता है उसे कहते हैं, प्रदर्शक कहा जाता है, गणना काकर कहा जाता है, व्याख्याता कहा जाता है, ऑपरेटर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गणना काकर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया 4 नंबर प्रश्न है दोस्तों, वर्ग अंतराल 70 से 80 का मध्य बिंदु ज्ञात करना है, इसका दोस्तों आप लोगों को मध्य बिंदु ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है दोस्तों, यहाँ पे बनाने से आपको समझ में नहीं आएगा फ्रेंड्स, तो आप लोगों को कमेंट में इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आगे देखिए, अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है 5 नंबर प्रश्न दोस्तों, किसी अनुसंसाधन, ठीक है, किसी अनुसंसाधन के लिए मूल रूप से संकलित समांकों को कहते हैं, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्राथमिक, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर है। 6 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्न आंकड़ों से विस्तार गुणांक ज्ञात करें, ये जो आपका आंकड़ा दिया गया है दोस्तों इसका विस्तार गुणांक ज्ञात करना है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 0.5, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, 7 नंबर आपका प्रश्न पूछा गया है, समांतर माध्य का सूत्र है, ठीक है, समांतर माध्य का सूत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है 8 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है, इनमें से दोस्तों कौन सा जो है वह केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है, पराश, प्रमाप विचलन, ऑप्शन बी है दोस्तों बहुलक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बहुलक, ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, अगला प्रश्न 9 नंबर दोस्तों प्रश्न पूछा गया है, सांख्यिकी के पिता किसे कहते हैं, ठीक है, सांख्यिकी के पिता किसे कहते हैं, एडम स्मिथ, गॉटफ्राइड अकेनावाल, एल्फर्ड मार्शल या फिर पॉल सैमुएलसन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही आंसर है। 10 नंबर प्रश्न देखिए, 2 चरों के बीच पारस्परिक संबंध को प्रकट करने वाले चित्र हैं, ठीक है, चित्र को कहते हैं, माध्य कहा जाता है, विक्षेप चित्र कहा जाता है, मानचित्र कहा जाता है, माध्यिका कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विक्षेप चित्र कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है। 11 नंबर प्रश्न देखिए, किसी ग्राफ पेपर में कितने चरण होते हैं, ठीक है, किसी ग्राफ पेपर में कितने चरण होते हैं, 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। 12 नंबर प्रश्न देखिए, उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक सूचकांक निर्माण करने का सूत्र है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर है। 13 नंबर प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, श्रेणी n बटा 4वां पद है, ठीक है, ये प्रथम चतुर्थक है, द्वितीय चतुर्थक है, तृतीय चतुर्थक है या फिर चतुर्थ चतुर्थक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, प्रथम चतुर्थक। अगला प्रश्न देखिए, समग्र के एक छोटे से भाग को क्या कहते हैं, ठीक है, समग्र के एक छोटे से भाग को क्या कहते हैं। तो इसे दोस्तों निर्देश एवं प्रतिदर्श कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 15 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा चर खंडित है, इनमें से दोस्तों कौन सा जो है वह चर खंडित है। तो इसका हो जाएगा आपका छात्रों की संख्या, ऑप्शन नंबर सी जो है यह करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपका 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस अर्थशास्त्री ने कल्याण संबंधी परिभाषा प्रस्तुत किया था, ठीक है, कल्याण संबंधी परिभाषा प्रस्तुत किया था। तो इसका जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अल्फ्रेड मार्शल। आगे देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है 17 नंबर प्रश्न है दोस्तों, तथ्यों को उनकी समानता एवं विशेषता के आधार पर क्रमबद्ध क्रिया है, ठीक है, संकलन, विचरण, वर्गीकरण, निजीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वर्गीकरण, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर है।
18 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, एक श्रेष्ठ प्रश्नवाली के गुण है, ठीक है, एक श्रेष्ठ प्रश्नवाली के गुण है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस, सरलता, प्रश्नों का उचित क्रम, प्रश्नों की सीमित संख्या, ये तीनों सही है दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 19 नंबर प्रश्न देखिए पूछा गया है, किस अर्थशास्त्री के अनुसार अपकीरण पदों के विचरण का माप है, ठीक है, मार्शल, बाउले, केन्स, रोबिन्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बाउले, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 20 नंबर आपसे प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित आंकड़ों के समांतर माध्य ज्ञात करें, दोस्तों इसका आपको माध्य ज्ञात करना है, ठीक है, आपको सूत्र पर बैठा देना है और आपको आंसर निकालना है और कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आगे देखिए 21 नंबर जो प्रश्न है आपका, 21 नंबर प्रश्न होता है दोस्तों, जब निचली और ऊपरी दोनों सीमाओं पर विचार करते हैं तो ऐसे वर्ग कहलाते हैं, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, समावेशी, ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर है। 22 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, यदि बहुलक 16 समांतर माध्य 20 तो माध्यिका ज्ञात करना है, ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि बहुलक का सूत्र क्या होता है, ठीक है, बहुलक आपका सूत्र होता है दोस्तों तीन माध्यक, ठीक है, बहुलक बराबर क्या होता है, तीन माध्यक माइनस टू माध्य, ठीक है, माइनस टू माध्य, ठीक है, ये आपका सूत्र हो जाता है, इस सूत्र पे दोस्तों आपको बैठा देना है, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। आगे देखिए आगे आपसे प्रश्न पूछा गया 23 नंबर, निर्देशांक के प्रकार है, ठीक है, निर्देशांक के प्रकार है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इनमें से सभी, उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक, थोक मूल्य निर्देशांक, औद्योगिक उत्पादन, ठीक है, ये तीनों सही है दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 24 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, वह ग्राफ जो सच्चाई आवर्ती वितरण को दर्शाता है, ठीक है, तोरण चित्र, आयात चित्र, दंड चित्र, पाई चित्र, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तोरण चित्र, ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर है। 25 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय सांख्यिकीय स्थान कहाँ स्थापित है, ठीक है, भारतीय सांख्यिकीय स्थान कहाँ स्थापित है, ये दोस्तों आपका कोलकाता में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर प्रश्न पूछा गया है, इनमें से नगद फसल कौन है, ठीक है, इनमें से दोस्तों नगद फसल कौन है, तो नगद फसल आपका कपास है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 27 नंबर प्रश्न देखिए, विश्व बैंक को किस अन्य नाम से जाना जाता है, IMF, UNO, IDBI, IBRD, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर है। 28 नंबर प्रश्न देखिए, सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के समता हिस्सों को निजी क्षेत्र, ठीक है, निजी क्षेत्र के हाथों बेचना क्या कहलाता है, ये आपका निवेश कहलाता है, विनिवेश कहलाता है, पूर्ण निवेश कहलाता है, ब्याज कहलाता है, तो ये दोस्तों आपका विनिवेश कहलाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर है। 29 नंबर प्रश्न देखिए, मानव पूंजी निर्माण में बाधा है, ठीक है, मानव पूंजी निर्माण में बाधा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी, ठीक है, बढ़ती जनसंख्या, ब्रेन ड्रेन, शिक्षा का निम्न स्तर, ये तीनों सही है दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर प्रश्न देखिए, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत हैं, ठीक है, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, दोनों ए और बी, वाणिज्यिक स्रोत और गैर वाणिज्यिक स्रोत, ये दोनों है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ए और बी। आगे देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, 31 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सरकार द्वारा जो कर व्यक्तियों की आय पर लगाई जाती है, प्रत्यक्ष कर कहलाता है, अप्रत्यक्ष कर, उपहार कर, संपत्ति कर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपहार कर, ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर है। 32 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा उद्योग लघु एवं कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है, इनमें से दोस्तों कौन सा जो उद्योग है वो लघु और कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है, ठीक है, लोह एवं इस्पात उद्योग, जहाज निर्माण, सीमेंट उद्योग, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों हस्तकरघा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हस्तकरघा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ये जो आपका उद्योग है दोस्तों ये लघु और कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। आगे देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया दोस्तों, 33 नंबर प्रश्न है, गरीबी रेखा का संबंध है, ठीक है, गरीबी रेखा का संबंध है, तो ये दोस्तों आपका निरपेक्ष निर्धनता से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर है। 34 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, कृषि साख के गैर संस्थागत स्रोत है, ठीक है, नाबार्ड, व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय बैंक, महाजन, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाजन, ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर है। 35 नंबर प्रश्न देखिए,
आधारिक, ठीक है, आधारिक संरचना के दो प्रकार कौन सा है? सामाजिक एवं राजनीतिक, सामाजिक एवं तकनीकी, राजनीतिक एवं आर्थिक, सामाजिक एवं आर्थिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सामाजिक एवं आर्थिक, ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर है। 36 नंबर प्रश्न देखिए, सीएफसी का पूर्ण रूप है, ठीक है, इसका दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, 37 नंबर प्रश्न, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय की यहाँ पे दोस्तों आपका टाइम पूछा गया है कि कौन से वर्ष तक था, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2012 से 2017, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ये आपका पंचवर्षीय योजना है दोस्तों, 5 वर्ष पर होता है, ठीक है, तो जो 12वां पंचवर्षीय योजना था वो आपका 2012 से 2017 था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और जो पहला था दोस्तों वो आपका 1951, ठीक है, 1951 से आपका 1956, ठीक है, इस डेट को आपको याद कर लेना है, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, 38 नंबर प्रश्न, कृषि शाक के साधन है, ठीक है, कृषि शाक के साधन है, तो इसका हो जाएगा आपका भूस्वामी, ये सही है दोस्तों, व्यावसायिक बैंक ये भी सही है, ग्रामीण बैंक ये भी सही है, ये तीनों सही है दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 39 नंबर प्रश्न देखिए, निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात होता है, ठीक है, भारत, चीन, रूस, यूएसए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। 40 नंबर प्रश्न देखिए, नवरत्न क्या है, ठीक है, नवरत्न क्या है, तो ये दोस्तों एक प्रकार का सार्वजनिक उपक्रम है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये था दोस्तों इकोनॉमिक्स का टॉप 40 प्रश्न जो जैक बोर्ड के द्वारा हर साल पूछा जाता है। इससे पहले मैंने सेट 1 अपलोड कर दिया है, ये आपका सेट 2 था, ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों मैं सेट 3 अपलोड कर दूंगा, बस ये तीनों सेट को आपको देख लेना है दोस्तों एग्जाम से पहले, यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।